हेलो दोस्तों, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन पावर पर स्वागत है। तो आज हम आपके लिए जो हमारी नेमी पैटर्न की जो सीरीज चल रही थी, तो हमने इससे पहले 4 क्लासें करा दी है जो कि हमारे यूट्यूब चैनल पर मिल जाएंगी। ठीक है, तो आज हम अपने 5वीं क्लास को लेके आए हैं। इसमें हम 101 क्वेश्चन से 125 क्वेश्चन तक आपको सोल्व करवाएंगे। ठीक है, तो आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 101 है, मल्टी स्टार्टेड थ्रेड की लीड क्या होती है। तो इसमें क्या पूछा, लीड पूछा है, लीड क्या होती है। तो लीड होती है लीड गुना स्टार्टेड की संख्या होती है। ठीक है, क्या होती है, ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपका अगला क्वेश्चन है, इस स्क्रू का क्या नाम, जो ये स्क्रू है इसका क्या नाम है बताइए। ऑप्शन है आपके हेक्सागोनल हेड स्क्रू है, गायब स्क्रू है, राउंड हेड स्क्रू है, स्क्वायर हेड स्क्रू है। तो आपको पता ही होगा ये है गायब स्क्रू, यानी ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपका आज का अगला क्वेश्चन है, नथ क्या है, यानी कोई नथ नथ दिया गया है हमें और इसका नाम बताना है, यानी इस नथ का हमें नाम बताना है कि इसका क्या नाम है। तो आपको पता ही होगा ये कौन सा नथ है, क्या ये कैसल नथ है, स्लोटेन नथ है, टी नथ है, या कैप नथ है। तो ये हमारा कैसल नथ है, यानी ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। तो इसको पहचानेंगे कैसे, देखो जब भी नथ के ऊपर कोई गोला बना के उसमें स्लोट कटे हुए हैं तो कैसल नथ, या इसमें जैसे कि इसी बोल्ट में वो स्लोट कट जाएंगे तो ये हो जाएगा अपना स्लोटेड नथ। ठीक है, और कैप नथ का उपयोग किया जाता है अपनी थेद को सुरक्षित रखने के लिए। इस नथ का क्या नाम है, यानी इस नथ का क्या नाम है ये बताना है आपको। ये इसका टॉप बॉटम है, ये इसका बोट यानी इसका टॉप व्यू है, ये बॉटम व्यू है। ठीक है, क्या ये कैसल नथ है, कैसल नथ मैंने अभी बताया ये तो होगा नहीं। क्या हेक्सागोनल वेल्ड नथ है, या कोलर के साथ हेक्सागोनल नथ है, या सेल्फ लॉकिंग नथ है। तो इसका सही हो जाएगा ये हेक्सागोनल के साथ वेल्ड नथ है। ठीक है, गोन के साथ, देखो ये है ना, ये वेल्ड किए जाते हैं, यानी कसने के बाद इनको वेल्ड किया जाता है ताकि खुले ना। आपका आज का अगला क्वेश्चन है 105वां, यानी इस इंच का क्या नाम है, इंच का नाम बताना है आपको। देख ड्रॉइंग देख लो, अब मैं आपको ऑप्शन दिखाता हूँ, फेस इंच है, हुक इंच है, फेस पिन इंच है, या पिन इंच। तो हमारा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। तो हमारा इसका सही आंसर ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा, यानी हुक इंच है, यानी इसमें आप देख सकते हो हुक बना हुआ है, देखो जो ये हुक है आगे का, ये इनमें स्लोट में गलता है और ये ऐसे खोला जाता है। ठीक है, आज का आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 106, इस स्क्रू का क्या नाम है, यानी ये स्क्रू है इसका नाम बताना है आपको क्या है। स्क्रू का उपयोग है जो दो अस्थाई यानी पार्टों को जोड़ने के लिए स्क्रू का उपयोग किया जाता है। ठीक है, इसमें हम नथ का उपयोग नहीं करते हैं। हेक्सागोनल सॉकेट हेड कैप स्क्रू है, हेक्सागोन हेड स्क्रू है, काउंटर सिंक हेड स्क्रू है, ये सब चीज हेड स्क्रू है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हेक्सागोन सॉकेट के हेड कैप स्क्रू। ठीक है, आपका आज का अगला क्वेश्चन है 107, वह फाइल क्या है जो एक सेफ एज के साथ चौदाई में आता का है और चौदाई में समानता होती है। तो क्या होती है बताइए, डेड नोट फाइल होती है, पिलर फाइल होगी, वोडिंग फाइल होगी, या आपकी स्विच पैटर्न फाइल होगी। तो हमारा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइए। ये आपके लिए होमवर्क है, तो क्वेश्चन एक बार फिर से दिखा देता हूँ, ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। क्वेश्चन नंबर 107 का आंसर, वह फाइल क्या है जो एक सेफ एज के साथ चौदाई में आता का है और चौदाई में समानता होती है, बताइए। तो ये आपके लिए होमवर्क है, ये देर नोट फाइल है, ये फिलर फाइल है, वोडिंग फाइल है, स्विच पैटर्न फाइल। अब किस फाइल में फेस पर डबल कट और किनारों पर सिंगल कट होते हैं। पता ही होगा फेस पे डबल कट और सिंगल कट किस पे होंगे, किनारों पे। तो वो होगा हमारा सिंगल कट फाइल। क्या होगा, सिंगल कट फाइल। एक मिनट, क्वेश्चन फिर से पढ़ते हैं अपन, कभी गलत ना हो जाए। किस फाइल में फेस पर डबल कट और नहीं, ये सिंगल कट नहीं होगी, किनारे पर सिंगल कट होते हैं। तो ये हमारी होगी कौन सी होगी, ये हमारी होगी पिल्लर फाइल। कौन सी होगी, पिल्लर फाइल होगी। ठीक है, इस फाइल का क्या नाम, यानी इस फाइल का नाम बताना है आपको क्या है। तो पिल्लर फाइल है, वोडिंग फाइल है, या स्विच पैटर्न फाइल है, डेड नोट फाइल है। तो ये हमारी कौन सी है, स्विच पैटर्न फाइल है। क्या है, स्विच पैटर्न फाइल। ठीक है, आपके अगला क्वेश्चन है, इस गेज का नाम क्या है। तो ये हमारा गेज कौन सा, ये हमारा है एक, ये हमारा थ्रेडिंग गेज है। ठीक है,
अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इस गेज का नाम क्या है? तो ये हमारा कौन सा गेज है? ये हमारा इसमें ये नो गो से आया, ये गो से आया। तो ये हमारा ऑप्शन है टेपर गेज, स्नैप गेज, प्रोग्रेसिव प्लग गेज, डबल प्लग गेज। तो ये हमारा है स्नैप गेज। क्या है? ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा, स्नैप गेज। अगला क्वेश्चन है डेल गेज का उपयोग क्या है? डेल के व्यास की जांच करने के लिए, डेल की लंबाई की जांच करने के लिए, या डेल के कटिंग एंगल की जांच करने के लिए। तो इन तीनों में से आंसर बताइए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डेल के व्यास की जांच करने के लिए हम डेल गेज का उपयोग करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है इस एक्स का नाम बताना है। क्या है ये? क्या है हमारी साइन बार है, तो इसमें एक्स में क्या है? तो ये हमारी क्या है, ये लंबाई है, यानी साइन बार की लंबाई होती है। ठीक है, रोलर के बीच की दूरी। अगला क्वेश्चन है, ये भी हमारी साइन बार है। क्या है? साइन बार है। ठीक है, इसमें ये पूछा ये क्या है, ये हमारी हो जाएगी स्लिप गेज की ऊंचाई। क्या हो जाएगी? स्लिप गेज की ऊंचाई हो जाएगी। ठीक है, आप अगला क्वेश्चन है इस गेज का क्या नाम है? तो ये अभी थोड़ी देर पहले इसका क्वेश्चन आया, तो ये है हमारी सेंटा गेज। क्या है? सेंटा गेज है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है इस गेज का क्या नाम है? ये हमारी क्या, ये स्क्रू पिच गेज है। क्या है? स्क्रू पिच गेज, यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है इस गेज का नाम क्या है, यानी ये इस गेज का नाम बताना है आपको। तो ये हमारी क्या हो जाएगी? ये हो जाएगी हमारी एनविल टाइप थ्रेड स्नैप गेज। ठीक है, इस गेज का क्या नाम है? तो इस गेज का नाम क्या है? ये है हमारी प्रोग्रेसिव, ये है डबल हैंडेड प्लग गेज। क्या है? डबल हैंडेड प्लग गेज है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 119। दोस्त थोड़ी स्पीड तेज है तो एडजस्ट कर लेना। ठीक है, एस के एक्स के रूप में क्या चिन्हित भाग का नाम बताइए। तो इसमें ये नाम बताना है कि ये क्या है, ये हमारा गो से आया। क्या है? गो से आया। ठीक है, और प्रोग्रेसिव प्लग गेज, तो ये हो जाएगा हमारा प्रोग्रेसिव प्लग गेज गो से आया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है इस गेज का क्या नाम है? ये हमारा क्या नाम है इसका? इसका हमारा नाम है स्नैप गेज। क्या है? स्नैप गेज। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, नहीं ये स्नैप गेज नहीं है, ये टेपर प्लग गेज है। क्या है? टेपर प्लग गेज, यानी ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों आंसर को सही कर लेना। ये एक्स क्या है, एक्स में क्या है, ये आपको पता ही है नो गोसिया। क्या है? थ्रेडिंग गेज नो गोसिया, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, आपका आज का अगला क्वेश्चन है 122। इस गेज का नाम क्या है, यानी इस गेज का नाम बताना। ये आपको पता ही होगा, ये थेड प्लग गेज है। क्या है? थेड प्लग गेज है। कौन सा? डबल हैंडेड है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है शीतलन दर को तेजी से प्राप्त करने के लिए उसमें उपचार में प्रयुक्त कन्वेंशिंग मीडिया कौन सी है? तो जो हमारी ब्राइन सोल्यूशन है, ये सबसे तेजी से ठंडा करता है। ठीक है, किसी भी टूल को, या एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है? इसका नाम बताना, ये हमारा लोअर क्रिटिकल तापमान हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लोअर क्रिटिकल तापमान कितना होता है? 723 सेंटीग्रेड होता है। ठीक है, आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है, एल्बो और बैंड का कोण जो डाइवेशन प्रदान करता है को क्या होता है? तो ये होता है हमारे 90 और 45। क्या होता है? 90 और 45। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक से एंड सब्सक्राइब करना। वीडियो को एंड तक देखने के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, मिलेंगे जिसमें हम क्लास नंबर 6 लाएंगे। ठीक है, तो जय हिंद जय भारत। ये क्लासें आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी। ठीक है, जय हिंद जय भारत।